कोरबा में बालको के नए स्मेल्टर प्लांट विस्तारीकरण में स्थानीय लोगों की सहभागिता के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें विस्तारीकरण को लेकर लोगों से विमर्श किया गया, जिसका लोगों ने समर्थन करते हुए स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही। प्लांट के विस्तारीकरण से राज्य सरकार को भी इससे राजस्व के रूप में बड़ी राशि प्राप्त होने के साथ ही क्षेत्र के विकास में भी मदद मिलेगी। वहीं कोरबा कांग्रेस कमेटी ने भी बालको विस्तारीकरण का समर्थन किया है। विपक्ष के कुछ नेता संतुष्ट जरूर नजर आए। बालको टाउनशिप स्थित स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा के बीच स्मेल्टर संयंत्र विस्तार के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें इस क्षेत्र के राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन के साथ ही स्थानीय लोग भी शामिल हुए। कांग्रेसी नेताओं ने संयंत्र विस्तार को विकास और रोजगार की नई संभावना बताया है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण के मुद्दे को लेकर ठोस कदम उठाने का सुझाव भी दिया गया। निश्चित तौर पर इससे रोजगार, जो विशेषकर नवयुवकों को जो है नया रोजगार के सृजन होगा, साथ ही बालको ने जो है इसके विस्तार के साथ साथ जो है स्थानीय लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है भर्ती का आश्वासन दिया है। यदि वो इसको पूर्ति करते हैं तो इनका लक्ष्य जो है कि जब तक इसे पूर्ण करना है वह लक्ष्य जो है पूरा होगा। श्रमिक नेताओं ने भी विस्तार परियोजना का समर्थन किया है। वहीं आसपास के गांव से आई स्वास्थ्य सहायता समूह की महिलाओं ने बालको प्रबंधन के CSR के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बालको द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बालको के उत्पादन क्षमता का मैं संपूर्ण समर्थन करती हूँ। ठेका कामगारों के बच्चों को जो महंगी कोचिंग है वो भी उपलब्ध कराते हैं, जो कि वो नहीं ले सकते, तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक उत्थान की ओर भी ध्यान देते हैं और ये अपना मुनाफा इन सामाजिक कार्यों में बिल्कुल खुले दिल से ये इसको इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हम बालको नहीं आ पा रहे तो हमारे गांव में ही जा के हमें जैसे मशरूम उत्पादन किसान भाइयों को खेती में जोड़कर कुछ ना कुछ उन्हें आगे ले आ रहे हैं। मैं बालको समर्थन करती हूँ। वहीं कुछ लोग प्रदूषण और रोजगार को मुद्दा बनाकर विरोध दर्ज कराते हुए नजर आए, जिनको प्रबंधन द्वारा आश्वस्त कर लिया गया है। बहरहाल बालको और प्रशासन के तालमेल से जनसुनवाई की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। कोरबा से बंसल न्यूज के लिए लक्ष्मण महंत की